Good evening to all of you. Very, very good evening. I welcome you all to the GradeUp platform. Lots of students are already waiting on the app and YouTube as well. बच्चों start करने से पहले आप लोग पहले इस lecture को share कर दो अपने सारे social handles पे अभी के अभी share कर दो फिर हम बहुत ही interesting तरीके से leave पढ़ेंगे बच्चों ये accelerate NEET है जैसा कि मैं आपको हमेशा हर क्लास में बताती हूँ देर आर टू सेपरेट सीरीज विच आर रनिंग राइट नाउ वन इज बेस्ट ऑफ बायोलॉजी जो कि 4 बजे होती है सेकंड इज एसेलरेट नीट जो कि 5 बजे होती है तो एसेलरेट नीट में आप लोग का मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है वी हैव डन विद रूट डन विद स्टेम टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीफ लीफ आई एम परफेक्टली फाइन बच्चो हाउ आर यू ऑल परफेक्टली फाइन क्विकली क्विकली शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चे इस क्लास को अटेंड कर पाए क्विकली सारे बच्चे अभी के अभी शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चे आ पाए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लीफ आई कैन सी लॉट्स ऑफ फैमिलियर नेम्स सुनील कुमार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑल राइट इसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर लेंगे सुमित शर्मा मॉर्फोलॉजी फिनिश होने के बाद विल स्टार्ट विद बायोलॉजिकल एंड प्लांट किंगडम श्योर स्टार्ट करें बच्चों स्टार्ट करें क्लास को डन सबने शेयर कर दिया है हेलो 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 मॉक टेस्ट बिल्कुल हर क्लास के बाद आपका मॉक टेस्ट होता है इस क्लास के बाद भी यू विल फाइंड अ मॉक टेस्ट जिसमें क्वेश्चंस होंगे बेस्ड अपॉन जो आज हमने पढ़ा है एसेलरेट नीट में बच्चों Yesterday missed your class. Accelerate NEET में बच्चों हम टॉपिक पढ़ते हैं साथ साथ हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम पहले लीफ पढ़ेंगे टॉपिक पढ़ेंगे देन साथ साथ उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को भी करेंगे आज की क्लास में राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हाई एनर्जी स्टार्ट करते हैं बच्चों लीफ के बारे में लीफ दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ इज दिस वन राइट अब इस टिपिकल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो बेसिकली लीफ कंप्राइजेस ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं आई कैन सी दिस इज द लीफ बेस लीफ अराइज कहां से होती है फर्स्ट थिंग फर्स्ट लीफ कहां से अराइज होती है बेसिकली जो आपका एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है योर एम्ब्रियो हैज गॉट दिस वन इज योर प्लेम्यूल एंड दिस वन इज योर रेडिकल Your embryo has got plumule and the radical. And my dear student, this radical is responsible for formation of entire root system. Hum pad chuke hain. Hum pad chuke hain. This is responsible for formation of entire root system. Your primary root, your secondary root, your tertiary root, entire root system will be formed by this radical and this plumule. This is responsible for formation of entire shoot system. पूरा शूट सिस्टम आपका प्लेम्यूल फॉर्म करेगा पूरा शूट सिस्टम आपका प्लेम्यूल फॉर्म करेगा राइट नाउ स्टेम के ऊपर हमने बात करी थी नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं राइट नोड इज द पार्ट फ्रॉम वेयर लीफ अराइजेस आपको बताया था कि नोड एंड बड में डिफरेंस क्या होता है बड इज बेसिकली कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड स्टेम ओनली एंड नोड इज बेसिकली द पार्ट फ्रॉम वेयर योर लीफ अराइजेस वो पार्ट जहां से आपकी लीफ अराइज होती है दैट पार्ट इज योर नोड राइट सो स्टेम का वो पार्ट जहां से आपकी लीफ अराइज हो रही है दैट इज योर नोड तो नोड वाले पार्ट पे जिस पार्ट से आपकी लीफ अटैच्ड है जहां से आपकी लीफ यहां से अटैच्ड है दिस वन इज योर लीफ बेस लेट्स से दिस इज योर लीफ ये आपका स्टेम है तो ये स्टेम से जिस पार्ट से अटैच्ड है दिस बेसल पार्ट दिस बेस पार्ट जिससे कि ये अटैच्ड है दैट विल बी योर लीफ बेस सो दिस वन इज योर लीफ बेस देन वी हैव दिस स्ट्रक्चर दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि अपर वाली लीफ को होल्ड करे हुए है द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज होल्डिंग द एंटायर लीफ दिस इज योर पीटियोल दिस इज योर पीटियोल लीफ बेस जहां से अटैच्ड है दैट विल बी लीफ बेस देन द पार्ट जिससे कि अपर वाला पार्ट पूरा अटैच्ड है इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एंड द पीटियोल एंड दिस एंटायर पार्ट ये जो लीफ वाला पार्ट जो पूरा आप देखते हो दिस एंटायर पार्ट इज योर लेमिना दिस इज योर लीफ ब्लेड और लेमिना
right? So we have basically three different parts. We have got leaf base at the base, then we have petiole, and then we have lamina. पूरा का पूरा लेमिना. तो लीफ के कितने पार्ट होते हैं बच्चों, क्विकली इन द चैट सेक्शन राइट नाउ, लीफ के कितने पार्ट होते हैं? वी हैव लीफ बेस, वी हैव पीटियोल, एंड वी हैव एंटायर लेमिना. एवरीबडी राइट डाउन द थ्री डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ. राइट डाउन द थ्री डिफरेंट पार्ट. वी हैव लीफ बेस, वी हैव पीटियोल, एंड वी हैव लेमिना. दीज आर द थ्री डिफरेंट पार्ट्स. अब एनसीईआरटी की लाइन्स हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों. एनसीईआरटी लिखती है लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम. अभी अभी हमने बात करी जो आपका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है. वी हैव प्लेम्यूल, वी हैव रेडिकल. रेडिकल इज गोइंग टू गिव राइज टू एंटायर रूट सिस्टम. योर प्लेम्यूल इज गोइंग टू गिव राइज टू एंटायर शूट सिस्टम. तो लीव कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? लीव का ओरिजिनेशन पॉइंट विल बी योर शूट एपिकल मेरिस्टम. राइट, अपर में जो शूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ योर लीव्स. राइट, सारी की सारी जो लीव्स होती है, दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर. नाउ व्हाट इज एक्रोपिटल ऑर्डर? दो चीजें होती है, वन इज योर एक्रोपिटल, सेकेंड इज योर बेसिपिटल. एक्रोपिटल, एक्रो वर्ड आगे आ रहा है, एक्रो, एक्रो का सिंपली मतलब होता है एपिक्स. Acro means apex, which means जो younger leaf है, younger leaf अगर apex पे present है, you call it acropital, और अगर younger leaf आपकी base पे present है, you call it basipital. We have two separate terms. We have acropital, we have basipital. Acropital is something in which your young leaf arises at the apex. Apex पे young leaf present है, acropital. अगर base पे young leaf present है, that will be your basipital. राइट, सो एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल. जो लीफ अराइज होती है, दे अराइज इन एक्रोपिटल ऑर्डर. एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, लीफ कैसे अराइज होती है? एक्रोपिटल और बेसिपिटल. लीफ कैसे अराइज होती है एवरीबडी? एक्रोपिटल और बेसिपिटल. डॉक्टर निखिल, रेप्लिकेशन टॉपिक का जो क्विज है वो इवनिंग में 7 o'clock वाली क्लास में होगा आपका. वो एक ऑल टुगेदर सेपरेट सीरीज़ है जो आपके 12th की ग्रेड अप चैनल पे सीरीज चल रही है, उसमें उसका क्विज़ होगा 7 o'clock. माइट बी ऑन थर्सडे, आप उसको चेक कर लीजिए. राइट, सो लीफ का अरेंजमेंट इज योर एक्रोपिटल. तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. वी हैव लीफ बेस, वी हैव पीटियोल, द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज होल्डिंग, एंड द लेमिना. लेमिना पूरा जो पूरा लीफ का पार्ट जो आप देख पाते हो, दैट विल बी योर लेमिना. राइट, नाउ देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टेप्यूल्स. नाउ व्हाट आर स्टेप्यूल्स? स्टेप्यूल्स क्या होते हैं? स्टेप्यूल हम इस डायग्राम में देखेंगे. स्टेप्यूल्स क्या होते हैं? सी, दिस इज योर लीफ का स्ट्रक्चर. लीफ के स्ट्रक्चर में यू कैन सी दीज टू लेटरल लीफ. दो लेटरल लीफ आपके लीफ बेस के पास में प्रेजेंट है. दो लेटरल लीफ आपकी लीफ बेस के पास में प्रेजेंट है. दीज टू लेटरल लीफ, दीज वंस आर योर स्टेप्यूल. अब आप कहेंगे मैम इसका काम क्या होता है? स्टेप्यूल बेसिकली जब आपका लीफ बड स्टेज में है, जब ये बड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करा हुआ है, जब लीफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उस टाइम पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये स्टेप्यूल आने वाली जो ग्रोइंग लीफ है उसको. सो स्टेप्यूल बेसिकली प्रोवाइड्स, दे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू यंग लीफ इन बर्ड स्टेज. जब ये आपका बर्ड स्टेज में प्रेजेंट है लीफ, उस मोमेंट पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है आपकी दो लेटरल अपेंडेजेस. दोज आर कॉल्ड एज स्टेप्यूल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का. व्हाट आर स्टेप्यूल्स? स्टेप्यूल्स क्या होते हैं? राइट, सो स्टेप्यूल्स आर प्रोटेक्टिंग द लीफ व्हेन इट इज इन द बर्ड स्टेज. जब वो ओपन नहीं हुआ है, बर्ड स्टेज में प्रेजेंट है, उस मोमेंट पे प्रोटेक्शन का काम करती है आपकी स्टेप्यूल. राइट, बच्चों,
तो हमने पढ़ा लीफ शूट एपिकल मेरिस्टम से अराइज होती है, हमने पढ़ा एक्रोपिटल ऑर्डर में प्रेजेंट है, हमने पढ़ा तीन पार्ट्स होते हैं, वी हैव बेस पीटियोल एंड लेमिना, हमने पढ़ा स्टेप्यूल प्रेजेंट होता है। नाउ हम बारी बारी बात करते हैं लीफ बेस की, पीटियोल की एंड लेमिना की। सबसे पहले लीफ बेस की बात करते हैं। जो लीफ बेस है, द बेस वाला पॉइंट जहाँ से कि वो अटैच्ड है स्टेम के पास में, लीफ बेस की कुछ खास बातें होती है। खास बातें क्या होती है लीफ बेस की? अगर मान लीजिए हम बात करें मोनोकोट प्लांट्स की, तो मोनोकोट प्लांट में ये लीफ बेस एक्सपेंड कर जाता है, और एक्सपेंड इन सच अ वे कि इट कवर्स द स्टेम पार्शली और फुली। स्टेम के ऊपर आपका लीफ प्रेजेंट है, तो जो ये बेस है इसने एक्सटेंड करके इस स्टेम को ही कवर कर लिया है, क्या तो पार्शली कवर कर लेगा या कंप्लीटली इसको कवर कर लेगा, राइट? डायग्राम में देखिए इसको किस तरीके से कवर करता है। दिस इज द टिपिकल डायग्राम ऑफ मोनोकोट, दिस इज योर लीफ बेस, दिस इज योर लीफ बेस। लीफ बेस ने एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, और ये जो आपकी स्टेम प्रेजेंट है, दिस इज योर स्टेम, ये आपकी लीफ है, ये लीफ है, दिस इज योर स्टेम। जो लीफ बेस है, इस लीफ बेस ने इसको कवर कर लिया है। अब इस डायग्राम में आपको फुली कवर दिख रहा है, बट इट कैन पार्शली कवर ऑल्सो, राइट? एंड दिस फीचर इज प्रेजेंट ओनली इन टू मोनोकोट, सिर्फ मोनोकोट्स में ही ऐसा होता है कि योर लीफ बेस इज कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली, एंड इट इज फॉर्मिंग शीथ लाइक स्ट्रक्चर, राइट एवरीबडी? मोनोकोट प्लांट्स के अंदर ही ऐसा पॉसिबल है, ओनली इनटू मोनोकोट प्लांट दैट लीफ बेस एक्सपेंड इनटू शीथ लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कैन कवर द स्टेम ईदर पार्शली और कंप्लीटली, क्या तो कंप्लीटली कवर कर लेगा स्टेम को या फिर उसको पार्शली कवर कर लेगा। आवी कूल एवरीबडी, मोनोकोट प्लांट में लीफ बेस एक्सपेंड कर लेता है इनटू अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर और एक्सपेंड करके उसको पार्शली और कंप्लीटली कवर करने की कैपेबिलिटी, कवर करने की क्षमता रखता होता है, राइट। सोफिया खान, मोनोकोट एंड डाइकोट टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट, कूल। लेग्यूम प्लांट की बात कर लेते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स सबको पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीफ बेस होती है उसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है, इट गेट्स स्वॉलन, वो स्वेल हो जाता है। कैसे? डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ ए लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट है ये, आपका पीटियोल वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज योर लीफ बेस विच इज स्वॉलन। अगर आपका लीफ बेस इस तरीके से स्वेल्ड हो, आपने ऑब्जर्व भी करा होगा, अगर ऐसे स्वेल्ड होता है, लीफ बेस इज स्वेल्ड लाइक दिस, तो इसको प्लग करने में बड़ा इजी रहता है, प्लग करने में बहुत इजी रहता है। तो इफ योर लीफ बेस इज स्वॉलन, दैट इज इनटू लेग्यूमिनस प्लांट, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पल्विनस, कॉल्ड एज पल्विनस। कोई पूछे व्हाट इज पल्विनस, पल्विनस इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इनटू लेग्यूमिनस प्लांट व्हेन योर लीफ बेस इज स्वॉलन एट द बेस, जब आपका लीफ बेस से एकदम स्वेल्ड अप हो जाता है, देन यू कॉल इट पल्विनस, और ये सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही पाया जाता है। कूल एवरीबडी, स्वॉलन लीफ बेस इज पल्विनस। एवरीबडी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पल्विनस, सारे बच्चे अभी पल्विनस की डेफिनेशन लिख करके बताएंगे, व्हाट इज अ पल्विनस। एनसीईआरटी की लाइन है भाई, एनसीईआरटी आपको साफ साफ लिखती है, इन लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स में योर लीफ बेस इज स्वॉलन एंड इट इज कॉल्ड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड एज पल्विनस, कॉल्ड एज पल्विनस, राइट। हमने बात की तीन डिफरेंट पार्ट्स है लीफ के, वी हैव लीफ बेस, वी हैव स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, वी हैव लेमिना। अब हमने लीफ बेस के बारे में पढ़ा कि जो ये लीफ बेस है मोनोकोट प्लांट में एक शीथ की तरह कवर कर सकता है स्टेम को, और लेग्यूम प्लांट में ये स्वेल होकर के पल्विनस बना सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट द पीटियोल, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है पीटियोल, उसका क्या फंक्शन है? जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन ये है बच्चों कि वो आपकी जो लेमिना वाला पार्ट है उस लेमिना को एक्सपोज्ड रखता है, एक्सपोज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सन,
लीफ एक ऐसा वेजिटेटिव पार्ट है जिसको फोटोसिंथेसाइज करना है. भाई सारा खाना, सारा फूड प्लांट का कौन बनाएगा? लीफ बनाएगा. तो जो सारा खाना अगर लीफ बना रहा है तो उसको हमको मैक्सिमम सनलाइट के एक्सपोजर में रखना पड़ेगा. अब सनलाइट के एक्सपोजर में रखने के लिए मेरे को चाहिए कि इसकी ओरिएंटेशन कम्प्लीटली मैं सनलाइट की डायरेक्शन में रखूँ. अब उसकी ओरिएंटेशन कम्प्लीटली सनलाइट की डायरेक्शन में रखने के लिए मेरे को ऐसे होल्ड करना पड़ेगा लीफ को. तो उसको होल्ड करने के लिए, अपराइट होल्ड करने के लिए, वी हैव द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ योर पीटियोल, विच इज़ योर पीटियोल, राइट. तो पीटियोल का काम क्या है भाई? पीटियोल का काम ये है कि ये जो आपकी अपर लेमिना वाला पार्ट है, अगर विंड आती है तो उसमें फ्लटर करने में उसकी हेल्प करता है. इस उस ब्लेड को, उस लेमिना वाले पार्ट को होल्ड करने में हेल्प करता है ताकि मैक्सिमम लाइट का एक्सपोजर उसको मिल पाए. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कूलिंग, कूलिंग ऑफ द लीफ एज वेल, राइट. लीफ बेस हमने दो पॉइंट्स पढ़े, मोनोकोट में शीथ बना रहा है, लेग्यूमिनस के अंदर पल्विनस बना रहा है. फिर हमने पीटियोल के बारे में जाना. पीटियोल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और वो जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली वो कूलिंग प्रोवाइड करता है लीफ को और आपकी जो लेमिना वाला पार्ट है उसको विंड में फ्लटर करने में हेल्प करता है. मोर सनलाइट उसके ऊपर आए इस तरीके से उसकी ओरिएंटेशन को वो एकदम सेट करके रखता है. राइट 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 एवरीबॉडी. लेमिना पे चले, लेमिना पे चले. लेमिना जो लास्ट वाला ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है जिसको आप लीफ ब्लेड भी बोल सकते हो, इट इज़ द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ एंड इट हैज़ गॉट वेन्स एंड वेनलेट्स. देखो बच्चों, लीफ के तीन पार्ट होते हैं. लीफ बेस जहाँ से कि वो अटैच्ड है, पीटियोल जो कि अपर वाला लीफ ब्लेड वाला पार्ट है उसको सनलाइट में एक्सपोजर के लिए हेल्प करता है. एंड देन वी हैव द लेमिना, द ग्रीन स्ट्रक्चर जो आपको डायग्राम में देखते ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर लीफ ब्लेड, दिस एंटायर इज योर लेमिना और द लीफ ब्लेड. अब ये जो लेमिना और लीफ ब्लेड है इसमें प्रेजेंट होते हैं वेरियस, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर योर वेन्स, वेनलेट्स, वेन्स, इसके वेनलेट्स, वेन्स, वेनलेट्स, वेन्स, वेनलेट्स. So lamina in turn comprises of various veins and veinlets. These veins and veinlets are responsible for transport of food and water. Water and food का जो transport करना है उसके लिए responsible होते हैं आपके ये veins and veinlets जो कि यहाँ पे present है lamina वाले part में. Is it clear? Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Any bacha who has any kind of doubt till now so far? किसी बालक को कोई भी आपत्ति है तो प्लीज़ पूछिए, प्लीज़ पूछिए. कोई भी आपत्ति अगर अभी तक महसूस हुई है तो प्लीज़ डू आस्क मी, अदरवाइज आई विल गो इसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे. कूल, क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया है तो क्या करना है? समझ में आ गया है तो लाइक करना है, लाइक करना है, लाइक करना है. आगे चले, चलो. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट वी हैव जो लेमिना वाला पार्ट हमने पढ़ा उसमें वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होती है जो कि आपके फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अब ये जो फूड एंड वाटर के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल वेन्स एंड वेनलेट्स है, इनका भी कुछ अरेंजमेंट होता है. किस तरीके से अरेंज है पूरे लेमिना में, किस तरीके से अरेंज है? द अरेंजमेंट ऑफ दीज वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना पार्ट इज कॉल्ड एज विनेशन, इज कॉल्ड एज विनेशन. वट इज विनेशन? कोई पूछे वट इज विनेशन? विनेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स. आपके जो वेन्स एंड वेनलेट्स है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, दैट इज कॉल्ड एज विनेशन. अब एक कॉमन सी चीज है भाई, लेट्स से ये आपका एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये जो सेंट्रल सेंट्रल वेन आपको दिख रही है, दिस इज योर मिड रिब, बिकॉज पूरे लेमिना के बीच में प्रेजेंट है, स्पेन करती हुई, बीच में स्पेन करती हुई प्रेजेंट है. दैट इज वाई दिस सेंट्रल, दिस इज योर मिड रिब, दिस इज योर मिड रिब. बाकी सारे वेन्स एंड वेनलेट्स आपके अरेंज्ड है, राइट. मिड रिब एंड वेन्स एंड वेनलेट्स आपके अरेंज्ड है. तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स कुड बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दो डिफरेंट टाइप का हो सकता है.
सबको पता होगा इस चीज का. इट कुड बी रेटिकुलेट विनेशन, कुड बी पैरेलल विनेशन. कोई पूछे व्हाट इज रेटिकुलेट विनेशन, व्हाट इज रेटिकुलेट विनेशन, लेट से दिस इज योर लीफ, ये आपकी लीफ है, दिस इज योर टिपिकल लीफ, राइट. मिडल में वी हैव प्रेजेंस ऑफ मिडरिब, दिस इज योर मिडरिब, राइट, दिस इज योर मिडरिब. मिडल में यू हैव प्रेजेंस ऑफ मिडरिब. इफ इट इज रेटिकुलेट विनेशन, अगर तो ये रेटिकुलेट विनेशन होता है, फाजिल बताओ क्या सुनना है आपकी, डाउट अपना पोस्ट करो फाजिल. अगर तो ये रेटिकुलेट विनेशन है, दिस इज योर मिडरिब, मिडरिब के रिस्पेक्ट में बाकी जो वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट है, बाकी जो वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट है, दे आर इनटू अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जैसे कि लाइक दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दे आर इनटू नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. अगर वेन्स एंड वेनलेट्स आपकी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, यू कॉल इट रेटिकुलेट विनेशन, यू कॉल इट. सो दिस वन इज योर रेटिकुलेट विनेशन, मोस्ट कॉमन इनटू डायकोट प्लांट्स. मैक्सिमली यूजुअली डायकोट्स में देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट टाइप ऑफ विनेशन. जो डायकोट प्लांट्स होंगे बच्चों, जो भी आपके डायकोट प्लांट्स होंगे, डायकोट्स में यू गोना फाइंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट विनेशन. मैंने कहा मैक्सिमली यूजुअली, देयर माइट बी सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हो सकते हैं उसके, मैं मैक्सिमली इसलिए बोल रही हूँ. फाजिल चैप्टर पूरा करवाने की कोशिश करी जाएगी, बिल्कुल जितने लेक्चर्स हमको मिलेंगे उसमें जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है वो हम कवर करेंगे, राइट राइट. सो रेटिकुलेट विनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायकोट प्लांट्स. मैक्सिमम डायकोट्स में यू कैन फाइंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट विनेशन. देन वी हैव पैरेलल विनेशन. पैरेलल इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो एंड इसको देखो. मिडरिब है, मिडरिब के बाद में जो वेन्स एंड वेनलेट्स इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. कमिंग ऑन टू पैरेलल विनेशन, पैरेलल विनेशन में क्या हो रहा है, वी हैव सेंट्रल मिडरिब. डायग्राम बना करके देखते हैं, लेट्स से वी वांट टू अंडरस्टैंड पैरेलल विनेशन. आपका सेंटर में यू हैव मिडरिब, रेटिकुलेट में नेटवर्क लाइक था, लेकिन यहाँ पे बाकी वेन्स एंड वेनलेट्स आर ऑल्सो पैरेलली अरेंज्ड लाइक दिस. बाकी वेन्स एंड वेनलेट्स आर ऑल्सो पैरेलली अरेंज्ड लाइक दिस. इसमें और इसमें डिफरेंस समझ पा रहे हैं, डिफरेंस समझ पा रहे हैं. रेटिकुलेट में योर वेन्स एंड वेनलेट्स आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एंटेंगल्ड है आपस में, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है. पैरेलल में नो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, सारे वेन्स वेनलेट्स एकदम पैरेलली अरेंज्ड है, एकदम पैरेलली अरेंज्ड है, लाइक दिस, लाइक दिस. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स, मैंने कहा यूजुअली, मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, यूजुअली इन ऑल द मोनोकॉट्स यू गोना फाइंड पैरेलल विनेशन, यूजुअली इन ऑल द डायकॉट्स यू गोना फाइंड रेटिकुलेट विनेशन. देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर एक्सेप्शंस. यूजुअली डायकोट बोले तो रेटिकुलेट विनेशन, मोनोकोट बोले तो पैरेलल विनेशन, लेकिन कुछ ऐसे भी मोनोकोट प्लांट है, मोनोकोट है, पैरेलल होना चाहिए बट पैरेलल नहीं, उनमें रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है. कुछ ऐसे मोनोकोट प्लांट जिनमें इंस्टेड ऑफ पैरेलल देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट विनेशन. एग्जाम्पल्स Smilax, Dioscorea and Alocasia. Smilax, Dioscorea, Alocasia. सारे बच्चे चैट में लिखेंगे अभी की अभी, राइट नाउ इन द चैट सेक्शन. ऐप वाले बच्चे भी, यूट्यूब वाले बच्चे भी चैट में लिखेंगे. रेटिकुलेट विनेशन इज फाउंड इन डायकोट्स बट कुछ मोनोकोट्स Smilax, Dioscorea, Alocasia, दे शोज रेटिकुलेट विनेशन. They are monocot and they shows reticulate venation. Everybody, right now, all the three examples. Ajay, sare examples likhenge beta.
all the three examples: Smilax, Dioscorea, and Alocasia. Good, good. They are monocot. They are monocot, and still they shows reticulate venation. Still they shows reticulate venation. Very good, very good. Moving on to, we have parallel venation, commonly found in monocots. Commonly found in monocots, but कुछ dicot plant है जो कि instead of showing reticulate venation, these dicot plants are showing parallel venation. ऐसे dicot plants भी है जो कि parallel venation को show करते हैं. These are Calophyllum arrangeum corymbium. Calophyllum arrangeum corymbium. सारे बच्चे in the chat section right now. Right now in the chat section. Excuse me. In the chat section, everybody, dicots which are showing parallel venation are Calophyllum arrangeum corymbium. Monocots which are showing reticulate venation are Smilax, Dioscorea, Alocasia. Good, good, good. Very good. Arushi Yadav, bahut achhe bachche. Arpit, bahut badhiya. Ashika, perfect. Kajal Roy, bahut achhe. Sandeep, very good. तो बच्चों हमने समझा veins and veinlets किस तरीके से arrange हो सकती है. They could form a network-like structure. Example, which is reticulate venation. Example is dicot plants. They could arrange parallelly to the midrib, which is your parallel venation, commonly into monocots. But we have some exceptions also. Exceptions of dicot also, which shows parallel venation. Exceptions of monocot also, which shows reticulate venation. Right? Right, everybody? Cool till now? Cool till now? हमने पढ़ा leaf क्या है? Leaf के different parts क्या है? Leaf base क्या होता है? Petiole क्या होता है? Lamina क्या होता है? Lamina के अंदर जो vein, veinlets सब किस तरीके से arranged होते हैं? यहाँ तक we have done. Cool, everybody? Yes, yes? चलो जी, आगे चले? आगे मूव करते हैं, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जितना पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट? आगे मूव करते हैं, जो लीफ है आपकी, लीफ डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, व्हिच इज बेस्ड अपॉन व्हाट, डिफरेंट टाइप की हो सकती है, व्हिच इज योर सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बेस्ड अपॉन व्हाट, सी ये आपकी, ये आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया लीफ का, राइट? टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, राइट? नाउ वी हैव वन मोर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. दिस इज आल्सो ए स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, राइट? आई हैव वन मोर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. Can anyone tell me which is simple leaf, which is compound leaf? Let's say this is case 1, case 2, and case 3. Can you tell me which is a simple leaf, which is compound leaf? Which is simple, which is compound leaf? Can anyone tell me? Which one is simple out of these three? Which one is compound out of these three? Divya, simple 1. Khushbu, 1. Case 1, simple. Good. Ashok, Garg, 1 is simple. Ujjwal Acharya, good. All are simple. Bahut achhe bachche. Achha, maximum bachche likh rahe. First simple hai. Bas first simple hai. Second and third compound hai. Maximum bachche likh rahe. First is simple. And second, third is compound. All are simple bhi likh rahe hai kuch bachche. Good, good, good. To bachcho, samajhiye is cheez ko. मैं कहती हूं दिस इज योर सिंपल लीफ, दिस इज योर सिंपल लीफ, दिस वन. जो जो बच्चे ने कहा है कि सेकंड कंपाउंड है, उनके उनके कॉन्सेप्ट्स हिल जाएंगे, बिल्कुल उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल हिल जाएंगे ये देख के कि सेकंड जो है वो सिंपल है, वो कंपाउंड नहीं है. सेकंड इज सिंपल. द थर्ड वन, दिस इज योर कंपाउंड, दिस इज योर कंपाउंड लीफ. कैसे डिफाइन किया मैंने, कैसे डिफाइन किया?
ये जो आपका मार्जिन्स है लेमिना के, ध्यान से सुनना, ज्ञान चक्षु ओपन करो, ध्यान से सुनना इस चीज को, फिर दोबारा गलती नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट में कभी भी। ज्ञान चक्षु ओपन, ध्यान से सुनो, ये जो आपका मार्जिन्स है लेमिना के, जो मार्जिन्स है, हाँ हाउ ही एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, सुनो, जो लेमिना के मार्जिन्स है, क्या तो उसमें इंसीजन नहीं हो, इंसीजन मींस पार्टीशंस, क्या तो लेमिना में इंसीजन नहीं हो, फर्स्ट थिंग, और अगर हो, इफ इट इज इंसाइज्ड, देन इट डज नॉट टच द मिड रिब। सिंपल लीफ होने का एक सिंपल फंडा होता है भाई, जो आपका इंसीजंस है दैट शुड नॉट टच योर मिडरिब, मिडरिब को टच नहीं करना चाहिए। कंपाउंड लीफ का एक सिंपल फंडा है, अगर आपके जो इंसीजंस है इफ दे आर टचिंग द मिडरिब दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ, एंड इफ दे आर नॉट टचिंग द मिडरिब दैट इज योर सिंपल लीफ, दैट इज योर सिंपल लीफ। अब फिर से बताओ मुझे, सारे बच्चे फिर से बताओ, इसमें पहली बात कोई इंसीजन ही नहीं है, इस वाले केस में मैंने देखा कोई इंसीजन नहीं है, इंसीजन ही नहीं है तो बट ऑब्वियस सिंपल लीफ है, सिंपल लीफ है। इसको देखो, इंसीजन इज देयर बट डज दैट इंसीजन टचेस द मिडरिब, क्या वो मिडरिब को टच कर रहा है? आंसर इज नो। इफ द आंसर इज नो, विच मीन्स इट इज ऑल्सो योर सिंपल लीफ, इट इज ऑल्सो योर सिंपल लीफ, right? It is also simple leaf. Then we have the third one, incision hai, and that incision touches the midrib. It is your compound leaf. It is your compound leaf. Kis kis ka funda clear hua? Kis kis ka funda clear hua? What is simple? What is compound leaf? किस किस का फंडा क्लियर हुआ? तो कोई भी डायग्राम देख के ऐसे नहीं सोचना इंसीजन दिख रहा है तो कंपाउंड हो गया, नहीं, जब तक वो इंसीजन आपका मिडरिब को टच ना करे तब तक वो कंपाउंड लीफ नहीं हुआ, तब तक वो सिंपल लीफ है आपका। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, फंडा क्लियर हुआ तो लाइक करो, वेरी वेरी गुड वेरी नाइस। तो चलो बच्चों, दो डिफरेंट टाइप की लीव्स होती है आपके सामने, हमने अभी बात करी सिंपल लीफ, सिंपल लीफ इज द वन, लिख देती हूं, Either no incision, क्या तो incised ही नहीं है, like this, ये जो diagram आपको दिख रहा है, no incision, if there is incision that does not touches the midrib, वो midrib को touch नहीं करता होता है, that will be your simple leaf, that will be your simple leaf. Example, NCERT के example याद कर लो, mango and बेनियन, मैंगो एंड बेनियन, मैंगो एंड बेनियन आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ फर्दर कैन बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, कंपाउंड लीफ फर्दर आपकी दो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी, डायग्राम से देखेंगे। जो इंसीजन आपका होने लग रहा है, इंसीजन होगा श्योर है, मिडरिब को टच करेगा श्योर है, अगर वो इंसीजन मिडरिब को पूरा पूरा टच करता हुआ जा रहा है इन सच ए वे कि एक पूरी एक्सिस बन गई है, वो मिडरिब इस तरीके से टच कर रहा है कि एक पूरी एक्सिस बन गई है, जैसे कि इस डायग्राम को देखिए, जो सारे इंसीजंस हुए और इस एक्सिस के ऊपर मीट कर गए, इस एक्सिस के ऊपर मीट कर गए, तो जो ये बीच में ये एक्सिस बन गया है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज रैचेस, दिस इज कॉल्ड एज रैचेस, और बाकी सारे जो आपके ये लीफ लेट्स हैं, दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर योर लीफ लेट्स, योर लीफ लेट्स आर अरेंज्ड ऑन द रैचेस, इनसीजन हुआ एंड ऑल द लीफ लेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, इफ ऑल द लीफ लेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड लीफ, क्या बोला, दैट इज योर पिनेटली कंपाउंड लीफ, और इफ, और इफ दीज ऑल द लीफलेट्स आर मीटिंग ऑन अ कॉमन पॉइंट, अगर ये सारे एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, एक पूरी एक्सिस नहीं बनी है, रैचेस नहीं बना है, एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा है, अगर सारे के सारे कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, यू कॉल इट पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, यू कॉल इट पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, इज इट क्लियर? कॉमन एक्सिस, कॉमन पॉइंट, कॉमन एक्सिस एंड कॉमन पॉइंट,
दिव्या बिल्कुल एग्जांपल्स देख लो, पिनेटली का एग्जांपल है नीम और पालमेटली का एग्जांपल है आपका सिल्क कॉटन. सिल्क कॉटन इज द एग्जांपल ऑफ पालमेटली कंपाउंड लीफ. वापस से सुनो, टाइप ऑफ लीव्स तीन डिफरेंट टाइप का पढ़ा हमने. ठीक है, तीन डिफरेंट टाइप. वन इज सिंपल, वन इज कंपाउंड. सिंपल इज समथिंग इनसीजन ही नहीं हुआ क्या, तो या इनसीजन हुआ तो इट डज नॉट टचेज द मिडरिप, दैट इज योर सिंपल लीफ. कंपाउंड में इट डज टचेज द मिडरिप. मिडरिप को टच तो करेगा, बट टच करते टाइम पे अगर वो एक कॉमन एक्सिस पे टच करता है पिनेटली कंपाउंड, कॉमन पॉइंट पे टच करता है पालमेटली कंपाउंड. सिंपल. इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, गुड. चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव फाइलोटैक्सी. वट इज फाइलोटैक्सी? जो आपकी हमने बात कर ली लीफ के बारे में, इट कुड बी सिंपल, इट कुड बी कंपाउंड, इट कुड बी पिनेटली कंपाउंड, कुड बी पालमेटली कंपाउंड. अब हम बात करते हैं जो लीफ है ये एक्सिस के ऊपर कैसे अरेंज होती है, एक्सिस पे कैसे अरेंज होती है. अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द एक्सिस, हाउ इट अकर्स, सो दैट इज योर फाइलोटैक्सी. कैसे अरेंज होती है? इट कुड बी अरेंज्ड इन थ्री डिफरेंट वेज. तीन तरीके से अरेंज हो सकती है. इट कुड बी योर ऑल्टरनेट, कुड बी योर ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. व्हाट इज ऑल्टरनेट? नोट्स पे चलते हैं. व्हाट इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी? वट इज ऑल्टरनेट? ये देखो भाई, ये आपका एक कॉमन पॉइंट है. ठीक है, कॉमन पॉइंट है आपका. ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज एक नोड आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी लीफ अराइज हुई. दूसरा नोड इसके ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है लाइक दिस. तीसरा नोड इसके ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है लाइक दिस. चौथा इसके ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है लाइक दिस. नेक्स्ट इसके ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है लाइक दिस. ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है. मान लीजिए ये कुछ आपका एक्सिस है, ये कुछ एक्सिस है. एक लीफ इस साइड में है, दूसरा लीफ इस साइड में है, ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है. तीसरा लीफ फिर से इस साइड में है, फोर्थ फिर से इस साइड में है, फिफ्थ इस साइड में, सिक्स्थ इस साइड में, ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है. तो आपके एक एक्सिस के ऊपर लीफ अगर ऑल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं इन सच अ वे कि एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ प्रेजेंट है, इन सच अ वे कि एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी. दैट इज योर ऑल्टरनेट टाइप. राइट? राइट बच्चों, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ऑल्टरनेट लीफ में वन नोड गिव राइज टू वन लीफ. एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट होगा. डेड सिंपल. राइट? देन वी हैव द सेकेंड वन विच इज अपोजिट. अपोजिट क्या होता है समझिए. ये आपका एक्सिस है, एक नोड है. इस साइड एक लीफ फॉर्म हुई, इस साइड भी एक लीफ फॉर्म हुई. एक नोड पे दोनों साइड में लीफ प्रेजेंट है, ऑपोजिटली दो लीफ प्रेजेंट है. अगेन एक नोड पे दो लीफ प्रेजेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में दो लीफ प्रेजेंट है. अगेन एक नोड पे दो लीव्स प्रेजेंट है. ऑपोजिट फाइलोटैक्सी. डिफरेंस समझ में आ रहा है. ऑल्टरनेट में एक नोड पे, ऑल्टरनेट ये था एक पे एक साइड एक लीफ है, एक इस साइड में, तीसरा इस साइड, फोर्थ इस साइड. ऑपोजिट में एक के साइड में ही, सेम साइड पे दो लीफ प्रेजेंट है लाइक दिस. फिर दो लीफ प्रेजेंट है. दैट विल बी योर ऑपोजिट ऑल्टरनेट एंड दिस वन इज योर ऑपोजिट. ऑल्टरनेट एंड ऑपोजिट यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल. ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी. देन वी हैव द लास्ट वन विच इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. वर्ल्ड फाइलोटैक्सी क्या होता है समझिए इसको. समझते हैं इसको. व्हाट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी? आपका एक नोड है, इस पे एक लीफ, दो लीफ, तीन लीफ, बहुत सारी लीफ. वर्ल्ड फाइलोटैक्सी इज अगर एक नोड से मोर देन टू लीफ अराइज होती है, दैट विल बी योर वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. अगेन इस नोड की बात कर लेते हैं. वन लीफ, सेकेंड लीफ,
थर्ड लीफ, इसको आप स्पेस में इमेजिन करो, एक लीफ है और इस पॉइंट पे बहुत सारी आपकी एक ही नोड के ऊपर बहुत सारी लीव्स अरेंज है, दैट विल बी योर वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. डेट सिंपल, एक फंडा बता देती हूँ, डेट सिंपल. ऑल्टरनेट के अंदर वन नोड गिव राइज टू वन लीफ. एक नोड पे मेरे बच्चों एक ही लीफ प्रेजेंट होगा ऑल्टरनेट में. ऑपोजिट में बच्चों वन नोड गिव राइज टू टू लीफ. ऑपोजिट में एक नोड पे हमेशा दो लीफ प्रेजेंट होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी. वर्ल्ड में वन नोड गिव राइज टू मोर देन टू, मोर देन टू. एक नोड पे एक दो से ज्यादा प्रेजेंट होंगी हमेशा. अक्षय बिल्कुल एग्जाम्पल भी बताती हूँ अभी. क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये सबको क्लियर हुआ? व्हाट इज ऑल्टरनेट, व्हाट इज ऑपोजिट, व्हाट इज वर्ल्ड? क्या ये सबको क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? यस विकुल, टिल नाउ सो फार विकुल. क्वेश्चंस करेंगे फिर, क्वेश्चंस. कूल, एग्जांपल देख लो. ऑल्टरनेट और स्पाइरल का एग्जांपल होता आपका मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर. और आप सबको पता है दिस इज द वन जिसमें एक नोड पे एक ही लीफ अराइज होता है ऑल्टरनेटिवली. रिमेंबर, ऑल्टरनेटिवली. देन वी हैव ऑपोजिट. ऑपोजिट में एक नोड से दो लीफ, एक नोड से दो लीफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑपोजिट कैलोट्रोपिस एंड गुआवा इज द एग्जाम्पल. देन वी हैव वर्ल्ड. वर्ल्ड एक नोड से बहुत सारे. नीरियम एंड एल्स्टोनिया इज द एग्जाम्पल. नीरियम एंड एल्स्टोनिया इज द एग्जाम्पल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट टिल नाउ सो फार? सोफिया खान बताइए जी, व्हाट्स योर डाउट? प्लीज पोस्ट योर डाउट. मक्खन क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया. क्रिस्टल क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड. क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करें बच्चों, क्वेश्चंस. अब आप लोग मुझे बताओ कितना आपको समझ में आया. आप लोग बताओ कितना आप लोग को समझ में आया. सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस हैं. डॉक्टर अमृता बिल्कुल डाउट पोस्ट करो बेटा, पोस्ट डाउट. एनसीईआरटी की लाइन के क्वेश्चंस हैं. एबीसीडी कोई नहीं लिखेगा, कोई भी एबीसीडी नहीं लिखेगा, पूरा आंसर लिखेगा. Leaves originate from which part and are arranged in which order? Dr. Amruta, leguminous plant, legume वाले plant बेटा, जिस जो legume form करते, P हो गया आपका, legume form करता है. सुनील कुमार good, कुमारी निशा very good, वैशाली शर्मा very good, देवोजीत बहुत अच्छे बच्चे, अभिषेक सेठिया बहुत ही बढ़िया. लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम, हमने बात करी थी, एक सेकेंड, हमने बात करी थी लीव्स जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होता है. एम्ब्रियो हैज गॉट प्लेम्यूल एंड द रेडिकल, रेडिकल रूट सिस्टम, प्लेम्यूल शूट सिस्टम, राइट. तो शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होती है एंड दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर. यंग लीव्स एट द एपेक्स, नॉट एट द बेस. सो दिस इज अरेंज्ड इन टू एक्रोपिटल ऑर्डर, राइट. शूट एपिकल मेरिस्टम एंड एक्रोपिटल ऑर्डर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सेकेंड क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट पे चले बच्चों. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. प्लस फोर इन द पॉकेट. यस राइट, प्लस फोर इन द पॉकेट एवरीबडी. प्लस फोर, गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. नो ए बी सी डी, बर्न सम एटीपीज, पूरा आंसर. उज्ज्वल आचार्य गुड, मिर्जा खान बहुत अच्छे बच्चे, आरुषि यादव वेरी गुड, एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट गुड 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 गुड. क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. अब जैसे मेरे को ये नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, राइट, रॉन्ग दिखता है, मैं तो सिंपली उसको ऐसे क्रॉस लगा देती हूँ, सिंपली क्रॉस लगा देती हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ. कौन सा ऐसा पार्ट है जो लीफ का पार्ट नहीं है? तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि भाई लीफ में लीफ बेस था, पीटियोल था, लेमिना था, ये तीन पार्ट थे. ठीक है, मैंने देखा लेमिना दिया है तो पार्ट है, लीफ बेस है, पार्ट है, पीटियोल है, पार्ट है, नॉट द पार्ट पूछा है. एंड पेडिसिल इज नॉट द पार्ट ऑफ लीफ, नॉट द पार्ट ऑफ लीफ. प्लस फोर इन द पॉकेट, प्लस फोर इन द पॉकेट. करेक्ट आंसर इज योर पेडिसिल. कौन सा पार्ट नहीं है लीफ का? पेडिसिल इज नॉट द पार्ट ऑफ लीफ. गुड गुड, चले आगे. डॉक्टर निखिल सिंह शाबाश, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन.
नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठाए हुए हैं. लीफ बेस में बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ एज इट इज लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में. उज्जवल गुड, अभिषेक वेरी गुड, अशोक गर्ग वेरी गुड, डॉक्टर वैशाली बहुत अच्छे, कुमारी निशा शाबाश, शुभम परफेक्ट परफेक्ट एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स. लीफ बेस में बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ, याद करो स्ट्रक्चर, याद करो एक लीफ का स्ट्रक्चर बना था, साइड से दो स्टेप्यूल्स आपके निकल रहे थे जिनका काम था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एट बर्ड स्टेज. स्टेप्यूल 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 वेरी वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज योर स्टेप्यूल. स्टेप्यूल प्लस फोर इन द पॉकेट, प्लस फोर इन द पॉकेट एवरीबडी, प्लस फोर. एनी डाउट टिल नाउ सो फॉर एनी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो यू कैन पोस्ट इट राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वोलन लीफ बेस फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट इज कॉल्ड एज. लेग्यूमिनस प्लांट में अगर लीफ बेस स्वेल हो जाता, डायग्राम याद करो, डायग्राम बताया था और ये भी कहा था उसको प्लग करने में इजी हो जाता है. डॉक्टर वैशाली वेरी गुड, मिर्जा वेरी गुड, कपिल सिसोदिया परफेक्ट, अली राजा जस्ट परफेक्ट, मिर्जा खान परफेक्ट परफेक्ट. अगर मोनोकोट प्लांट में हमने बात करी थी कि एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो पार्शली और कम्प्लीटली कवर करता है स्टेम को, और लेग्यूम्स में लेग्यूमिनस प्लांट में हमने बात करी थी कि आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर स्वोलन हो जाता है, स्वोलन हो जाता है आपका लीफ बेस से, एंड दैट स्वोलन पार्ट वॉज योर पल्विनस, दैट वॉज योर पल्विनस. एनी डाउट, एनी डाउट दैट इज योर पल्विनस. एनी डाउट प्लस फोर, प्लस फोर एवरीबडी, प्लस फोर. प्लस फोर किस किस के सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक हैं, किस बच्चे के सारे क्वेश्चंस ठीक है, नो डाउट किस बच्चे के सारे क्वेश्चंस ठीक है, सारे क्वेश्चंस किसके ठीक है, शुभम के सारे क्वेश्चन ठीक है, अक्षय के सारे क्वेश्चंस ठीक है, उदय महतो वेरी गुड, देवोजीत वेरी वेरी गुड. क्लैप फॉर योरसेल्फ, सेलिब्रेट योर लाइफ, क्लैप फॉर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैप फॉर योरसेल्फ. एंड यू हैव वन होम असाइनमेंट, ये घर के लिए क्वेश्चन है आपका, इसको अभी नहीं आंसर करना है, अभी नहीं आंसर करना है, इसको आपको लेक्चर ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है. आंसर मत करो अभी, आंसर मत करो अभी, इसको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है. ऑलरेडी गेटिंग द आंसर्स राइट, राइट. रेटिकुलेट विनेशन क्या थी, पैरेलल विनेशन क्या थी, क्या आप सब लोग को याद है, क्या आप सब लोग को याद है. बच्चों हमने स्टार्ट किया आज लीफ से, हमने समझा लीफ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लीफ बेस क्या होता है, पीटियोल क्या होता है, लेमिना क्या होता है. लीफ बेस के बारे में हमने जाना कि मोनोकोट प्लांट में कैसा होता है, और लेग्यूम में लेग्यूमिनस प्लांट्स में पल्विनस उसको हम क्यों बोलते होते हैं. फिर हमने समझा कि जो पीटियोल है उसका क्या फंक्शन है. फिर हमने समझा जो लेमिना है वो किस तरीके से उसमें लीव वेन्स एंड वेनलेट्स अरेंज होती है. विनेशन क्या होता है हमने समझा. फिर हमने समझा फाइलोटैक्सी क्या होता है. Right, right. Now, what do you have to do? Like, share and subscribe. अगर पसंद आया हो तो like करेंगे इस lecture को, share करेंगे, spread कर देंगे दोस्तों में और channel को subscribe कर देंगे. If you haven't joined the Telegram group yet, you are most welcome to join it. The link is in the description below. Make sure you join it. And here we are at the end of the lecture. Nice class. Thank you so much, Nishant. थैंक यू वेरी मच. कुछ अच्छे कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में. टिल देन प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर, गो ग्रेट अप. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.